हेलो गाइस, वेलकम इन आवर ब्लॉग। तो आज मैं फिर से रेडी वेडी होके लेके चलती हूँ आपको एक अच्छी सी प्लेस पे घुमाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो प्लेस क्या है, और पहले तो ये देखो कि हम कितने जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं। ये सारे देख रहे हो, हम बहुत जल्दी रेडी हो रहे हैं क्योंकि हम जहाँ जाने वाले हैं उसके लिए हम पहले से ही 2 घंटे लेट हैं। तो हमने कहा चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करके हम लोग निकलते हैं टाइम से, ताकि हम टाइम से वहाँ पहुँच जाए। इसलिए हमने जितना सामान हमारा रेडी हुआ उसको फटाफट नीचे पहुँचाया, और उसके बाद अपने आप को पूरा रेडी किया, मतलब सॉक्स वगैरह पहन के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होगी और रात का समय है। अभी भी यहाँ पे विंटर सीज़न ही है। ये अपनी नई जैकेट लेते हुए मैं चल दी कार में, और सबसे पहले मैं चढ़ के बैठ गई और मैंने कहा अब तुम्हें एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी परमिशन मुझसे लेनी पड़ेगी। फिर भी मैंने इन लोगों को एंट्री दी और हम लोग बैठ गए कार में और स्टार्ट हुई हमारी मस्ती। ये अब आपको सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ आने वाला है, क्योंकि अगर आपको भी रात की ड्राइविंग में मज़ा है या आपको भी राइडिंग करने में रात में मज़ा आता है, तो आप अब ये व्लॉग बहुत इंटरेस्ट होके देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ बैठे बैठे आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप ही ड्राइविंग कर रहे हैं, और रात का पूरा मज़ा आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि हमने इतने अच्छे सॉन्ग चला रखे हैं और इतना प्यारा व्यू है रात का जो आपको यहाँ पूरा देखने के लिए मिलेगी, और उसके साथ प्यारे प्यारे सॉन्ग वो भी आपको सुनने के लिए मिलेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको ये ज़रूर बताएं, और ये सॉन्ग भी हमें कैसे हैं, या इस तरह के सॉन्ग आपको भी पसंद है तो प्लीज़ ये हमें इन्फॉर्म करें, और आउट ऑफ 5 हमें सजेस्ट करें कि हमने अच्छे सॉन्ग चलाए या ना चलाए। अब ये वाली एक जो हमारी सबसे फेवरेट राइड थी इस पूरे रास्ते में, तो इसको भी आप देख सकते हो। आपको भी मन है कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए रास्ते में, तो आप दिल्ली की बसों में देख सकते हैं कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि रात में थोड़ी बहुत ज़्यादा सड़कें मतलब खाली रहती होंगी, लेकिन इस बार तो रात में भी हमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक देखने को भी मिला, क्योंकि काफ़ी जगह हमें रुकना भी पड़ा। बट हाँ, ये था कि दिन से काफ़ी तो नहीं, बस थोड़ा बहुत हल्का था, काफ़ी से हमें सड़कें खाली मिली। फिर हम ये हरिद्वार की पौड़ी पे पहुँचने वाले थे, उससे पहले हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया और कुछ खाने पीने के लिए देखा। उसके साथ साथ हमने जो फ्रेश हुए थोड़ा सा अपना, फिर हमने सेल्फी वगैरह ली, ये हमारे सोते हुए चेहरे नाइट के। इसके बाद आपको काफ़ी अच्छे सारे देखने को मिलेंगे। चलो तो गाइस, फाइनली आपको पता चल ही गया कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो हम आए हैं लैंसडाउन इस सर्दी के मौसम में, क्योंकि इसका सबसे बेस्ट टाइम है घूमने के लिए अक्टूबर से जून। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं यहाँ घूमने के लिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये सबसे पहले हमें मिलता है एक मंदिर जो है सिद्धाबली मंदिर, जो कि कोटावरी में है। यहाँ से आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा कोटावरी का, काफ़ी सुंदर व्यू है। यहाँ से ही आपको काफ़ी अच्छी सिटी है और काफ़ी क्लीन सिटी है जो खुद में ही काफ़ी खूबसूरत है। इस मंदिर में हर भंडारा भी होता है जहाँ आराम से खा पी सकते हैं। उसके बाद ये हमारा होटल, और जहाँ पे आप चाहें जितने भी दिन स्टे कर सकते हैं, मिनिमम आपको 1 डे करने होगा, तो इसलिए हम निकल। ये है आपको चीड़ के पेड़ जो पहाड़ी एरिया में देखने को मिलेंगे लैंसडाउन में अगर आप जाएंगे। ये हमारा एक सुंदर सा रूम जो हमने स्टे के लिए लिया था, और ये हमारा कमरा नंबर 303। चलो अब अंदर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज, इतना सुंदर व्यू था, और यहाँ का व्यू आप देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से बिल्कुल मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। और ये जो चीड़ के पेड़ हैं इनकी जो पत्तियाँ गिर के लाल हो जाती है ना, माइंड ब्लोइंग, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये रेड सॉइल है। उसके बाद ये इनका खाने की स्पेस इन्होंने काफ़ी सुंदर बना रखा था। इस टाइम ये थोड़ा सा टाइम वीकेंड्स का या वैसा नहीं है, तो लोगों का आना कम ही था यहाँ पे, तो हमें भीड़ भाड़ नहीं मिली ज़्यादा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, एकदम क्लीन था। ये हमारा प्यारा सा रूम जिसमें हम स्टे करने वाले हैं, ये रूम काफ़ी अच्छा था क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। फिर भी हमने नीचे ना खाते हुए कुछ सैंडविच अपने लिए ऊपर ही मंगा लिए थे, क्योंकि उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ, क्योंकि क्रिसमस आने वाला था, इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ का आपको एक चर्च घुमाती हूँ जो था एक सेंटा मैरी चर्च। अब यहाँ ये चर्च जो है काफ़ी सुंदर, बहुत ही प्यारा, आपको यहाँ पे इतना अच्छा लगेगा आके। और ये चर्च की खासियत ये है कि ये कुछ समय पहले किसी ने बंद कर दिया था, और अभी ये कुछ समय पहले ही चालू भी हुआ है, मतलब बहुत पहले इसे बंद कर दिया गया था, और अब इसको बदल के थोड़ा सा मतलब इस चर्च को थोड़ा म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया जाए। आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे यहाँ दिख जाएगी। और ये जो सबसे सुंदर व्यू, मतलब इतना अच्छा लगेगा ना आपको यहाँ आके। और ये एक होटल, क्योंकि हल्की हल्की बारिश का भी मौसम हो ही रखा था, तो हमने कहा चलो इस ट्रैवल कैफ़े, मतलब इस कैफ़े का नाम ही ट्रैवल कैफ़े है, तो इसमें हमने कहा कुछ चाय वाय कॉफ़ी ले ली जाए। यहाँ पे आके लग रहा था कि हाँ, हमारे साथ भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस टाइम लैंसडाउन को घूमने का मज़ा लेना चाहते हैं। फिर हम आ जाते हैं ये भुल्ला ताल,
बुला ताल में हम ये अपना टिकट वगैरह लेते हुए यहाँ पे हम स्विमिंग आपको यहाँ बोट चलाने के लिए भी मिल जाएगी जिसका मज़ा आप ले सकते हैं। ऊपर से एक तो ठंडा मौसम इन वादियों में और पानी में आप नाव में अगर जाएंगे तो आपको काफ़ी यहाँ इन्जॉयमेंट देखने को मिलेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन सारी चीज़ें आप संभल के करें। ये यहाँ पे प्यारे से फूल, यहाँ के फूल भी देखने में इतने प्यारे लगते हैं क्योंकि इस मौसम में ये सारे रंग बिरंगी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद हम फिर चल दिए, अब हम पहुँचने वाले हैं क्योंकि आज मैं आपको 2-3 प्लेस यहाँ के दिखा दूँगी, ये एक सुंदर सा व्यू। फिर इसके बाद ही हमने रास्ते में हमें जितने मंदिर मिले हमने एक बार वहाँ पे जाके ज़रूर घूमा। ये था संतोषी जी का मंदिर और संतोषी जी को हम पहले से ही काफ़ी मानते थे, तो हमने कहा चलो अब संतोषी जी माता के थोड़े मंदिर के दर्शन करके आते हैं। तो हमने यहाँ टेके माथे बाते और यहाँ से भी मतलब यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। ये मतलब बहुत ही सुंदर था और अब तो एक बहुत प्यारा सीन आने वाला है। ये सीन देख के आप ऐसा लग रहा है ये बताएं, ये है पूरा आपको टिप टू टॉप दिखेगा। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मतलब भगवान भी हमारे साथ ही थे क्योंकि जिस तरह से हम वहाँ एक तो इतने अच्छे मौसम में गए थे ऊपर से बारिश, बहुत मज़ा आया। थैंक यू।